ईडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर रांची स्थित जेसीए स्टेडियम के निर्माण से संबंधित टेंडर और निर्माण लागत का ब्यौरा मांगा है। वर्ष 2009 से 2016 तक स्टेडियम में किए गए कार्यों और इसके टेंडर से संबंधित सूचनाएं देने के लिए कहा गया है। इन 8 वर्षों के दौरान जेसीए को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त राशि का भी हिसाब मांगा गया है। 9 अक्टूबर को भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के पूर्व ईडी की नोटिस जेसीए अध्यक्ष को प्राप्त हुई है। हालांकि उनकी ओर से अब तक ईडी को नोटिस का जवाब नहीं भेजा गया है। जेसीए स्टेडियम की पूर्व निर्धारित लागत 80 करोड़ थी, जो निर्माण पूरा होने के बाद 200 करोड़ से अधिक हो गई थी। ईडी से टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी और 3 गुना लागत बढ़ने की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में बीसीसीआई से कई वर्षों के दौरान जेसीए को मिली राशि में भी गड़बड़ी करने की बात कही गई है। स्टेडियम निर्माण की लागत में वृद्धि और बीसीसीआई से मिलने वाली राशि में गड़बड़ी करने से संबंधित मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उज्ज्वल दास नामक व्यक्ति ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट में केस फाइल किया था। इसमें जेसीए से निष्कासित शेषनाथ पाठक और सुनील सिंह को गवाह बनाया था। कोर्ट के आदेश पर बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। आईओ ने जांच के बाद जेसीए को क्लीन चीट दी थी। शिकायतकर्ताओं ने जांच से असंतुष्टि जताई थी। मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।